हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और लास्ट टाइम हमने फोर लूप किया था। आज मैं आप लोगों को फोर ईच लूप करवाऊंगी। इसमें क्या होता है कि आपके हर आइटम्स चलेंगे, जितने भी आइटम्स उसमें दे रखे होंगे वो सारे आइटम वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक बटन लेते हैं, एक्टिव वाला बटन लेंगे, ठीक है, ये वाला। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, इस बटन के अंदर जाएंगे। ये देखो, ये पहला वाला लूप था, अब मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाली हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मैं कमेंट बनाती हूँ। यहाँ पे हम कमेंट कैसे बनाते हैं, सिंगल आप ये कोट यूज़ करेंगे। फ्रूट्स को मैं क्या ले रही हूँ, इज एन एरे ले रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लिया मैंने फ्रूट्स इक्वल टू एरे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, जैसे मुझे एप्पल डालना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऑरेंज डालना है। आप तीन चार फ्रूट्स के नाम ले लो, चेरीज, ठीक है, और भी कुछ लेना है तो ले लो आप, ठीक है, मैं फ़िलहाल तीन ही ले रही हूँ। इसके बाद क्या है, डिम लेंगे हम फ्रूट्स एज स्ट्रिंग हो जाएगा आपका, ओके। एंड यहाँ पे हमने लिया फ्रूट्स नेम्स, ठीक है, और ये ले लिया हमने एज अ वेरिएंट, ठीक है, क्योंकि अमाउंट इसमें ज़्यादा डल रही है इसलिए हमने वेरिएंट यूज़ किया है, ओके। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आपको एक इटरेटिंग तैयार करनी है यूजिंग बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। इसका हर आइटम चले उसके लिए, ठीक है। जैसे आप एंटर मारते हो तो ये आपका कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। चलो अब लगाते हैं हम फोर लूप, फोर ईच लूप, आइटम्स चले सारे, ठीक है, इन फ्रूट्स के, फ्रूट्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे चले, ठीक है। ये आपका वेरिएबल है फ्रूट, तो ध्यान रखना नेम सेम होना चाहिए फ्रूट्स का। उसके अंदर के आइटम्स चले, फ्रूट्स के अंदर आइटम थे ना आपके, सारे फ्रूट्स थे, तो मैंने यहाँ फ्रूट्स लिख दिया, फ्रूट नेम्स इक्वल टू फ्रूट नेम्स के साथ आइटम आए, ठीक है। और उनके बीच में कैर से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक एंटर का स्पेस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, पहले फर्स्ट आइटम आएगा फ्रूट्स नेम के अंदर जो भी है जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट नेम शो करेगा, फर्स्ट आइटम एप्पल है मेरा, ठीक है। ये दिखा रहा है कि फोर ईच हर एक आइटम चले जो आइटम के अंदर है, ओके। आइटम के अंदर किस में है, फ्रूट्स में, ये रहा ना फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर ये सारे आइटम्स हैं, तो ये सारे आइटम्स चलेंगे किसके, फ्रूट्स नेम के अंदर, ठीक है। करके देख लेते हैं F5, एक सेकेंड, इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये एरे बनाया है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैसेज बॉक्स कि वन 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 बाय वन ये सारे शो हो जाए। ठीक है, क्या शो करे वन बाय वन, फ्रूट्स नेम, ठीक है। F5 चल गया, ये देखो आ गया एप्पल ऑरेंज चेरीज। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा भी दूँ मैंगो एंड बनाना, F5, ये देखो, ठीक है। तो ये वन बाय वन करके सारे आइटम को एक साथ प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने प्रिंट नीचे लिखा है। अगर आप चाहते हो कि वन बाय वन शो हो तो उसको कंट्रोल एक्स करो, कट करो और इसको सीधा लूप के अंदर डाल दो। अब देखो वन बाय वन प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक साथ सारे आ जाए तो उसको कट करो, यहाँ ना डाल के बाहर डाल दो, यहाँ प्रिंट करवा दो, ठीक है, तो एक साथ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम। आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आइटम्स हैं सारे रन करवा सकते हो वन बाय वन बाय द फोर ईच लूप, ठीक है। इसमें हमने एरे पार्ट यूज़ कर रखा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।